स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट साइंस क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर देखेंगे फोर। चैप्टर नंबर फोर हेल्थ एंड हाइजीन। चैप्टर नेम है हेल्थ एंड हाइजीन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है पेज नंबर 32 से देखेंगे। तो देखिए, आपका हेडिंग फर्स्ट है हाइजीन। हाइजीन में होता है स्वच्छता। तो देखिए पेज नंबर 32 पर दिया, हाइजीन मे बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट इंश्योर क्लीनलेस। ठीक, क्लीननेस। ठीक, तो जो हाइजीन होता है, जो स्वच्छता होता है, मे बी डिफाइंड मीन्स परिभाषित किया जाता है एड अ गुड हैबिट। एज गुड हैबिट मीन्स अच्छी आदतों के आधार पर, अच्छी आदतों की तरह। दैट जो कि इंश्योर मीन्स निश्चित करती है, क्लीनलीनेस मीन्स सफाई को, एंड गुड हेल्थ यानी जो है अच्छे स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। प्रॉपर हाइजीन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिजीज। जो प्रॉपर हाइजीन होता है, जो उचित स्वच्छता होता है, हेल्प्स अस मीन्स हमारी सहायता करता है इन प्रिवेंटिंग डिजीजेज मीन्स रोगों को रोकने के लिए जो है वह क्या करता है, हमारी सहायता करता है। फॉलोइंग आर सम स्टेप टू मेंटेन हाइजीन। ठीक, आगे आर सम स्टेप आगे दिए गए हैं कुछ स्टेप टू मेंटेन हाइजीन मीन्स स्वच्छता को जो है मेंटेन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए। तो फर्स्ट देखिए क्या दिया है, वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप एंड वाटर। हमें क्या करना चाहिए, धोना चाहिए आवर हैंड मीन्स अपने हाथ को विथ सोप मीन्स साबुन से एंड वाटर मीन्स जल से। बिफोर ईटिंग फूड भोजन को खाने से पहले, एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट और टॉयलेट जाने के बाद। सेकेंड दिया है वी शुड बाथ डेली। हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली। वी शुड ब्रश मीन्स हमें ब्रश करना चाहिए आवर टीथ, अपने दांत को जो है ब्रश करना चाहिए। दांत से ब्रश, आपको दांत को क्या है, ब्रश करना चाहिए ट्वाइस मीन्स दो बार, डेली मीन्स प्रतिदिन दो बार ब्रश करना चाहिए। इन मॉर्निंग मीन्स सुबह में, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप और जो है सोने जाने से पहले। इन द नाइट मीन्स रात में। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए, हमें काटना चाहिए आवर नेल्स मीन्स अपने नेल को, नाखूनों को, रेगुलरली मीन्स लगातार, चाहे बढ़ते रहते हैं तो क्या करना चाहिए, लगातार आपको काटते रहना चाहिए। अंडर एंड एडल्ट सुपरविजन मतलब किसी वयस्क की निगरानी में, सुपरविजन में। ठीक, नंबर फिफ्थ देखिए दिया है, किचन फ्लोर टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विथ डिसइंफेक्टेड। ठीक, रेगुलरली। तो क्या करना चाहिए, किचन फ्लोर और टॉयलेट को, बाथरूम को शुड बी क्लीन मीन्स साफ करना चाहिए, साफ होना चाहिए किसके सहायता से, विथ डिसइंफेक्टेंट्स मतलब डिसइंफेक्टेंट्स मीन्स होता है कीटनाशक। ठीक, कीटनाशकों की सहायता से रेगुलरली हमको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। आवर फूड शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। जो हमारा भोजन होता है उसको क्या करना चाहिए, शुड बी प्रॉपरली कवर्ड मीन्स उचित ढंग से उसको कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए। सेकंड देखिए, नंबर सेवन दिया है, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। वी मस्ट कीप हमें रखना चाहिए, मस्ट मीन जरूर, हमें जरूर रखना चाहिए आवर सराउंडिंग मीन्स अपने चारों तरफ के वातावरण को, क्लीन मीन्स साफ, हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन। वी शुड नॉट थ्रो हमें नहीं फेंकना चाहिए गार्बेज कूड़ा करकट को, इन द ओपन मीन्स खुले में, हमें खुले में कूड़ा करकट को नहीं फेंकना चाहिए, कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर्ड, और जो डस्टबिन हो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए मतलब जो है ढका हुआ होना चाहिए। मॉस्क्यूटो ब्रीड इन कलेक्टेड वाटर। जो मॉस्क्यूटो जो मच्छर होते हैं, ब्रीड इन कलेक्टेड वाटर यानी जो है जमे हुए जमा वाले जल में पलते हैं, जन्म लेते हैं यानी पनपते हैं। वाटर शुड नॉट बी अलाउड
टू कलेक्ट इन साइड ओल्ड टायर, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट, जो जल है शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट मीन्स जमा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट, जमा होने नहीं देना चाहिए इन साइड ओल्ड टायर, यानी जो है पुराने टायरों में, ड्रम में, बास्केट, बकेट, बकेट यानी बाल्टी में एक्सेट्रा आदि में जो है पानी को जमा होना नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज देखेंगे दिया है रेगुलर एक्सरसाइज इज इसेंशियल टू रिमेन हेल्थी, जो रेगुलर यानी जो है जो दैनिक एक्सरसाइज है वो अभ्यास है, इज इसेंशियल मीन्स आवश्यक है टू रिमेन मीन्स टू रिमेन हेल्थी मीन्स स्वस्थ रहने के लिए, एंड फिट मीन्स फिट होने के लिए। एक्सरसाइज इंप्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन, जो एक्सरसाइज है जो अभ्यास है इंप्रूव में सुधार करता है आवर ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे रक्त के सर्कुलेशन को बहाव को जो है इंप्रूव करता है, सुधार करता है, एंड टोन अप आवर मसल्स, और हमारे मसल्स को जो है टोन अप करता है मतलब व्यवस्थित करता है, संतुलित करता है। एक्सरसाइज हेल्प द नर्वस सिस्टम जो बाई सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन, जो एक्सरसाइज वो क्या करता है सहायता करता है द नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र का, बाई सप्लाई मीन सप्लाई करके मोर ऑक्सीजन, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करके टू द ब्रेन मीन मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक जो है अधिक मात्रा में ब्लड को, ब्लड सर्कुलेशन जो है सप्लाई करके, ब्लड को जो है सप्लाई करके नर्व यह क्या करता है एक्सरसाइज जो है वो क्या करता है नर्वस सिस्टम को जो है क्या करता है सहायता करता है नर्वस सिस्टम की, ज्यादा है ऑक्सीजन सप्लाई करके। आउटडोर गेम लाइक क्रिकेट, बाहरी खेल मतलब जो घर के बाहर खेले जाने वाले गेम होते हैं, आउटडोर गेम लाइक क्रिकेट जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आल्सो कीप फिट, ये भी क्या करते हैं इनको खेलने को जो हम क्या करते हैं फिट रहते हैं, ये भी हमें फिट रखते हैं। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर अदर गुड एक्सरसाइज, यानी स्विमिंग यानी तैरना, साइकिलिंग मीन्स साइकिलिंग करना मतलब साइकिल चलाना, वॉकिंग मीन्स टहलना एंड रनिंग मीन्स दौड़ना, ये सभी क्या है आर गुड एक्सरसाइज, ये सभी जो है अच्छे एक्सरसाइज हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो क्या है आवश्यक है फॉर गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए दिया है एडिक्वेट रेस्ट यानी पर्याप्त आराम, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स, जो उचित आराम और जो है उचित निद्रा जो है क्या आता है रिलैक्स मीन्स आराम पहुंचाता है और मसल्स मीन्स हमारे मांसपेशियों को, एंड गिव आवर बॉडी मच नीडेड रेस्ट, और हमारे शरीर को जो है गिव आवर बॉडी मच नीडेड रेस्ट जो है क्या करता है बहुत अधिक जो कि जरूरत होता है आराम उससे क्या रहता है देता है, जो निद्रा है वो हमारे जो है शरीर को जरूरी नींद आराम देता है। फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब उसके उचित कार्य करने के लिए, ठीक प्रॉपर फंक्शनिंग उसको जो है उचित तरीके से जो है प्रॉपर ढंग से जो है कार्य करते रहने के लिए जो है क्या करता है ये हमें आराम पहुंचाता है। आफ्टर हैविंग अ गुड रेस्ट ठीक ढंग से आराम करने पर वी फील फ्रेश, हम क्या करते हैं फ्रेश महसूस करते हैं, ताजा महसूस करते हैं, एंड रेडी टू वर्क, और जो है कार्य करने वर्क अगेन यानी कार्य करने के लिए पुनः जो है क्या होते हैं रेडी होते हैं। इनएडिक्वेट रेस्ट इनएडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सीक, अपर्याप्त निद्रा कैन मेक अस सीक हमें जो है बीमार बना सकते हैं। स्टेइंग अप लेट एंड वॉचिंग टेलीविजन इज बैड हैबिट, स्टेइंग अप लेट मीन्स लेट तक जो है जागना एंड वॉचिंग टेलीविजन और जो है टेलीविजन को देखना इज अ बैड हैबिट क्या है बुरी आदत है। नेक्स्ट देखिए पोस्चर यानी आसन या मुद्रा होता है पोस्चर मीन्स, तो दिया है पोस्चर इज अ पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी, तो पोस्चर जो है जो आसन है वो क्या है एक पोजिशन है एक क्या है अवस्था है इन विच जिसमें वी होल्ड आवर बॉडी हम क्या करते हैं अपने शरीर को रखती हैं। When we sit, किसी मुद्रा में रखते हैं किसी अवस्था में रखते हैं जिसमें तो आसन आपका वो अवस्था है जिसमें आप अपने बॉडी को रखती हैं। We sit, when we sit, जब हम बैठते हैं स्टैंड में खड़े होते हैं और मुंह में जब चलते हैं तो उस अवस्था में जिस अपने बॉडी को रखते हैं वो क्या होता है पोस्चर कहलाता है। While standing or sitting, जब आप क्या करते हैं स्टैंड में खड़े होते हैं और सिटिंग में बैठती हैं वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट, हमें जो है अपनी पीठ को जो है अपने बैक को क्या करना चाहिए सीधा रखना चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकने पर वाइल रीडिंग जब आप पढ़ते हैं आगे की तरफ झुकने पर पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू ऑन आवर बैक एंड आई, तो जो है हमारे आंख पर और आपके जो है बैक पर यानी जो है रीढ़ की हड्डी जो आपकी पीठ है उस पर क्या होता है एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है।
करेक्ट पोस्चर गिव अस ग्रेसफुल अपीयरेंस, जो करेक्ट पोस्चर होता है, जो करेक्ट आसन होता है, जो मुद्रा होता है, गिव अस ग्रेसफुल अपीयरेंस, हमें जो है एक अच्छा जो है लुक प्रदान करता है, अपना अच्छा जो है लुक अपीयरेंस, मतलब लुक होता है, मतलब उसे आप क्या क्या करता है प्रदान करता है। वाइल इनकरेक्ट पोस्चर, जब हम जो है गलत इनकरेक्ट यानी गलत पोस्चर में, गलत आसन में, गलत मुद्रा में रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मीन लंबे समय तक, लंबे समय तक जब हम गलत अवस्था में रहते हैं, कैन मेक अस सिक, यानी जो है लंबे समय तक गलत अवस्था में रहने पर यह हमें बीमार बना सकता है, कैन मेक अस सिक, हमें बीमार बना सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है आप इस चैप्टर को एक बार फिर से घर पर रिवाइज करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक, आपका एक्सरसाइज बुक है जो, उससे आपको जो है कराएंगे। तो तब तक के लिए जो है गुड बाय एंड टेक केयर।